वन विभाग की भूमि पर लगाए गए तार बंदी को हटाने के लिए ट्रक ऑपरेटरों ने उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति को ज्ञापन सौंपा। इस भूमि पर ट्रक ऑपरेटर पिछले 8 वर्षों से अपने ट्रक खड़े करते आए हैं। वन विभाग ने अपनी जमीन पर तारबंदी कर दी है, जिस कारण ट्रक ऑपरेटरों को अपने वाहनों को खड़ा करने में परेशानी हो रही है। ट्रक ऑपरेटरों ने उपायुक्त के पास ज्ञापन सौंप कर समस्या के समाधान की मांग की है। ट्रक ऑपरेटरों में यूनियन प्रधान विजय कुमार ने बताया कि वन विभाग द्वारा भूमि पर की गई तारबंदी के कारण ट्रकों को खड़ा करने की जगह नहीं मिल रही है। वहीं स्थान पर वह पिछले 8 वर्षों से ट्रकों को खड़ा करते आ रहे हैं और सभी लोग ट्रकों को हायर करने के लिए उक्त स्थान पर ही आते हैं। अगर इस जगह की बजाय कहीं और ट्रक खड़ा करते हैं तो उनकी रोजी रोटी पर आफत बन जाएगी। उन्होंने उपायुक्त से भूमि पर वन विभाग द्वारा लगाई गई तारबंदी को हटाने और ट्रकों को उसी भूमि पर खड़ा करने की इजाजत देने की मांग की है। सर, हम भूतपूर्व सैनिक एवं सामान्य ट्रक पे आज हमारी एक समस्या है कि वन विभाग ने जहाँ हम पिछले 20 वर्षों से अपनी गाड़ी को पार्किंग करते थे वहाँ पर अवरोध उत्पन्न कर दिया है। एक तो पहले हम डीजल के मार और दूसरे स्पेयर पार्ट की महंगाई से जूझ रहे हैं। काम में बहुत ही मंदा है, हमें अपनी किस्त देना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत कठिनाई पैदा रही है और ऊपर से हमारी गाड़ियों वहाँ से हटाती है। अपना मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे अपना दूसरे सर, हमारी जो ट्रक ऑपरेटरों की समस्या है, पिछले 20 साल से हमारी गाड़ियाँ वहाँ पार्क करते थे। हम पिछले कल फ्रेस्ट विभाग ने वहाँ पर विरोध किया और कांटेदार तार लगा दी, जिसकी वजह से हमारे रोजी रोटी की प्रभावित हुई। पर हम डीसी साहब से इसलिए मिलना चाहते हैं कि उसका हमें कोई हल किया जाए, पार्किंग जो है जगह पर दी जाए जैसे हमारी पार्किंग पहले थी, और वहाँ पर हम कोई भवन निर्माण नहीं कर रहे जिसकी वजह से फॉरेस्ट महकमे ने उसका विरोध किया हो। वहीं उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने ट्रक ऑपरेटरों को कहीं और जगह देखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की भूमि पर ट्रक खड़ा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, लेकिन उक्त भूमि का जायजा लिया जाएगा। कल कुछ इनकी पार्किंग के लेकर एक समस्या हुई थी। जैसा कि मेरे को बताया गया है कि जिस जमीन पे पार्किंग करते थे वो फॉरेस्ट की जमीन है। आज चूंकि ये मेरे से मिले हैं, कोशिश की जाएगी कि कुछ अल्टरनेटिव निकाला जाए और इनको भी व्यवस्थापित किया जाए। थैंक यू।